सो आप लोगों का स्वागत है। इनफैक्ट स्वागत तो आपको पहले दिन करना चाहिए जब आपने क्लास अटेंड की होगी, लेकिन मैं नहीं था इसलिए आप लोग मेरा स्वागत कर सकते हैं आज कि मैं आ गया हूँ आप लोगों के बीच में। एंड मैं आपकी रिपोर्ट मिलती रहती थी मुझे, मैं पूछ रहा था कि कोरोना के टाइम पे तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरोना ही है आजकल। गब्बर सिंह का डायलॉग मायने नहीं रखता कि जो जो डर गया सो मर गया, आजकल उल्टा है जो डर गया वो बच गया। ओके, अभी मैं एक बात जिस टॉपिक पे आना चाहता हूँ वो है वॉइस। और मैं भी कई बार कह चुका हूँ, लोग भी जानते हैं कि आवाज़ जो होती है वो एक्टिंग की मेरे हिसाब से 60% होती है। अब इस वक्त मेरी आवाज़ आपको कम इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि पंखा चल रहा है तो बंद कर। सो इसी आवाज़ होती है, स्पेशली जब कैमरे में रिकॉर्ड होती है तो आपकी आवाज़ बदल जाती है। मैंने आप रेडियो में काम करते हो तो रेडियो का वो भी हेल्प करता है आपको जो उसका एक देखो एक बार बता दूं, आवाज़ के बारे में दो बातें होती हैं। आप जो कुछ भी तो ये ज़्यादा मत हिल। अभी तो सामने जैसा कादर खान या दिलीप साहब बदल, अभी काउन में है वो कैमरे के पीछे काउन हिल रहा है बैठो भाई। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि आप जब किसी को फोन में बात करते हो आपका सामने से आवाज आता है, अच्छा गौरव बोल रहे हो, पहले पहचान जाता है क्योंकि आपके एक हेलो उसके लिए काफी होती है। और ये जो हेलो ये जो दूसरा आदमी सुन रहा होता है ये आपकी गॉड गिवन या आपकी क्वालिटी, हर आदमी की क्वालिटी होती है। क्यों बोलता है हेलो, बोलता हेलो, हेलो, क्यों बोलता है हेलो, आपकी आवाज क्वालिटी होती है जो आप मोस्टली यूज करते जब आपका फोन होता है। फोन में कभी लोगों को अकड़ी आती है, कभी जिंदगी में हेलो भी करेंगे पर फोन टाइम बोलेंगे हेलो, यू नो अपनी आवाज को सुधार के बोलते हैं। बट कुछ भी करोगे आपकी आवाज की क्वालिटी होती है जो भगवान ने आपको दी होती है। फर्क कहां आता है, क्वांटिटी पे आता है। क्वालिटी आप नहीं चेंज कर सकते। यूसुफ भाई की जो क्वालिटी है वो यूसुफ भाई की क्वालिटी है, अमिताभ बच्चन की जो क्वालिटी है वो अमिताभ बच्चन की है, रजा मुराद साहब की जो क्वालिटी है वो उनकी क्वालिटी है, मुकेश खन्ना की जो क्वालिटी है मुकेश खन्ना की क्वालिटी है। तो फर्क क्या अगर भगवान ने ही दिया है तो फिर फर्क क्या नहीं, फर्क है क्वांटिटी का। और क्वांटिटी आपको अक्वायर करनी पड़ती है, रियाज करना पड़ता है। आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। एक एक्टर दूसरे एक्टर से बेटर कब होता है, जब वो अपनी आवाज को पूरे के पूरे सारे गामा पाधा निशा के अंदर घुमाता है ऊपर से नीचे। क्योंकि हमारे यहां पर कई एक्टर ऐसे हैं जो अपनी आवाज को प्यार करने लगते हैं, वेरी 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 कॉमन फिनोमिना। मेरी आवाज मोटी है तो इन्हें हमको लगता है यार मैं बोलता हूं तो लगता हूं कि ना मैं बड़ा हूं, तो वो आवाज जिंदगी भर वो ऐसी बात करता है, अरे चाय कहाँ है हमारी, अरे मोहतरमा बीवी जी सुनती हो, वो खड़ी में 20 मिनट दूर लेकिन बोलेंगे ऐसे जैसे वो सामने खड़ी हुई है, क्योंकि उनको अपनी आवाज से प्यार हो जाता है। रियल लाइफ में शायद चल जाए लेकिन एक्टिंग में शायद ये आपको धोखा देगा। क्योंकि अगर आप देखो किसी आदमी को अगर आप एक ही मैं अभी इसको हम नोट बोलते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, ये नोट्स हैं। अब अगर आदमी पूरी फिल्म में सा रे गा में ही बोले, चलो हाँ बोलो क्या है, मैं मार दूंगा तेरे को, तू किधर से कहाँ था, अब 10 मिनट के बाद में वो आपको इरिटेट करती है क्योंकि उसमें मोनोटोनी होती है। आप जब काम करोगे अपने आवाज में तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप सा पे भी बोल सकते हो, रे पे भी बोल सकते हो, ग पे भी बोल सकते हो, म पे भी बोल सकते हो, नी पे भी बोल सकते हो, और आ जो बहुत कम एक्टर करते हैं। यूसुफ भाई का मैं अभी बता रहा था कि मैंने चंद एक्टर देखे हैं जो जिसको वो उनकी वाइफ गिर गई होती है किसी फिल्म में थे तो वो पेट्रोल गाड़ी रोक रहे होते, ए भाई ए भाई रुक जाओ भाई ए भाई ए भाई, दैट इज गोइंग टुवर्ड्स सारे गामा पाधा नीसा, मे बी समवेयर अराउंड नीसा। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी बड़े एक्टर हैं वो इसी में बन गए, अरे रुक जा, अरे मेरी बाइक गिर गई, अरे रुक जा, अरे रुक जा, वो कुछ नहीं कर रहे हैं अपने मॉड्यूलेट नहीं। ये मॉड्यूलेशन जब होता है ना तो यू साउंड इंटरेस्टिंग, फर्क कुछ नहीं है। बट आपको कन्वर्सेशन में फिल्मों में अरे चले चलते, अरे क्या कर रहा है तू यार, अरे यार देख तू सुन ले मेरी बात को, तू अगर बात मानेगा ना तो ठीक है, अगर नहीं मानेगा तो प्लीज यार अंडरस्टैंड कर यार, तू यू हैव टू मॉड्यूलेट। उसके लिए आपको आवाज की ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो मैं जब इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया मुझे याद है कि मैं वहां पर एक टीचर हुआ करते थे योगा के जिनका नाम था शंभुनाथ जी।
हमको योगा सिखाते थे, ओल्ड टीचर थे, उन्होंने योगा भी सिखाते थे, फिर वॉइस ट्रेनिंग होती है, हमारे यहाँ स्पीच ट्रेनिंग, जो वॉइस ट्रेनिंग, तो ऐसे जैसे आप बैठे हैं सबको सबको बिठा देते थे, एक उनकी ट्रेनिंग है रोशन सरिया की सीट होती थी जहाँ पर हम लोग ऐसे बैठते थे जैसे आप बैठे हैं, और यहाँ पर परफॉर्मेंस करना पड़ता जैसे आप लोग भी करते होंगे, तो एक कागज एक ले लेते थे ऐसा करके, हाँ भैया बोलिए आप क्या नाम आपका, अच्छा नाम आपका बोलिए, कुछ भी बोलिए, तो नाम और कुछ बोलो, मैं यहाँ पे एक्टिंग सीखने आया हूँ, ओके इतना ही काफी होता है, उन लोग देखते हैं इस आदमी का नाम और वो कुछ लिखना शुरू किया, फिर आप बोलिए मेरा नाम आकाश है, हाँ मैं यहाँ एक्टिंग सीखने आया, ओके तो ये करके नोट कर रहे, फिर मुकेश खन्ना को बोला, तो मैंने भी बोला कुछ, तो उन्होंने नोट कर लिया, फिर सबका बोलते गए बोलते गए, मैं देखता रहा उनको, बाद में जब खत्म हुआ तो उन्होंने बताया आपका जो जॉज आपका जो होठ है ना वो लेजी है, या आपकी लिप्स जो है, ये आपकी जो टंग है वो लेजी है, और जब मेरे पर आया तो बोला मुकेश खन्ना तुम्हारा जॉ स्ट्रिफ है, जॉ स्ट्रिफ क्या होता है, अभी जब से सपोजिंग ना बोलू आ तो बोलू अ, तो आ मतलब जॉ तुमको हेल्प करता है, बट कई लोगों की जॉ इतनी स्टिफ हो जाती है आजकल, तो गुटखा खा के तो खत्म ही कर दिया, मुंह नहीं खोलता उन लोग का, वो उसने कहा स्टिफ है मेरी घंटी बज गई।